तो समर स्लैम के अंदर गुंथर ने डेमन प्रीस्ट को हरा दिया और गुंथर बन चुके हैं नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद अगले ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में गुंथर को चैलेंजर मिलते हैं जो कि है द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन, जो कि उनको चैलेंज करने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एट बैश इन द बर्लिन, जो कि होगा 31 अगस्त को। और ये दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है गुंथर की होम कंट्री से। तो दोस्तों अब इस मैच के लिए एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि गुंथर एक डोमिनेट चैंपियन है जो कि हमें हमेशा से ही WWE कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं। और रैंडी ऑर्टन दोस्तों जिनके ऊपर WWE हमेशा से ही अपनी जो ओट्स हैं वो लगाकर चलती है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं गुंथर वर्सेज रैंडी ऑर्टन फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में। इस मैच के अंदर हमें कौन सा सुपरस्टार एज ए विनर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करते हैं, जहां पर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने रॉयल रंबल के अंदर कंप्लीट किया, इसके बाद दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कंप्लीट किया, रेसलमेनिया के अंदर कंप्लीट किया, बैकलैश के अंदर रैंडी ऑर्टन ने कंप्लीट किया, और साथ ही साथ दोस्तों क्लैश ऑफ कैसल के अंदर भी शायद उन्होंने कंप्लीट किया था। इसके बाद दोस्तों शायद उन्होंने मनी द बैंक के अंदर भी कंप्लीट किया टैग टीम मैच के अंदर। लेकिन रैंडी ऑर्टन दोस्तों हर एक मैच के अंदर हमें हारते हुए ही नजर आई है, यानी कि जो लूजिंग स्ट्रीक है वो दोस्तों रैंडी ऑर्टन की हमें प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अंदर देखने को मिल रही है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें गुंथर के बारे में, तो गुंथर का जो उनकी मोमेंटम है वो दोस्तों WWE कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि गुंथर ने आज तक WWE कंपनी के अंदर गुंथर को 2300 दिन के आसपास हो चुके हैं, लेकिन गुंथर का जो टाइम है वो ज़्यादातर उन्होंने चैंपियनशिप के साथ ही संभाला है, जहाँ पर दोस्तों UK चैंपियनशिप को उन्होंने 800 दिनों के आसपास अपने कंधों पर संभाला था, IC चैंपियनशिप को उन्होंने 666 दिनों तक अपने कंधों पर संभाला, और अब दोस्तों गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी अपने कंधों पर संभालने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों गुंथर के ऊपर WWE काफ़ी ज़्यादा बिलीव करके चलती है, और गुंथर की जो बुकिंग है वो भाई हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है WWE कंपनी के अंदर। लेकिन अब जब गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं, तो दोस्तों फैंस ये मानना शुरू कर चुके हैं कि ये वाला भी गुंथर का जो टाइटल रेन है ये भी काफ़ी लंबा होने वाला है। हो सकता है कि गुंथर जो है वो सेथ रोलंस के भी टाइटल रेन जो उन्होंने दिया था उसको भी गुंथर ब्रेक कर सकते हैं। और गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन जो कि बैश इन बर्लिन के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों चांसेस हैं कि रैंडी ऑर्टन जीत सकते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को फिर आगे जो फ्यूचर की स्टोर लाइन है जॉन सीना के साथ भी उनको शुरू करनी है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद अभी तो WWE स्टिल होल्ड पर रखने वाली है। और इस मैच के अंदर दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर सिंपली रहने वाली है कि गुंथर इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं। दोस्तों रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि रैंडी ऑर्टन के फैंस को फिर से जो उनके चहीते रैंडी ऑर्टन है उनको फिर से हारता हुआ देखना पड़ सकता है बैश इन बर्लिन के अंदर, क्योंकि गुंथर जो है वो भाई अभी अभी चैंपियन बने हैं और उनका टाइटल रेन मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 तक तो हमें देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि गुंथर की बुकिंग जिस तरीके से WWE करती है और ट्रिपल एच तो भाई गुंथर को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और ये चीज़ माननी पड़ेगी कि भाई गुंथर एक काफ़ी अट्रैक्टिव सुपरस्टार है, जिस तरीके से उनकी रेसलिंग स्किल्स है इसी की वजह से जो फैंस है वो उनको इतना ज़्यादा पसंद भी करते हैं रिंग के अंदर। लेकिन प्रेडिक्शन दोस्तों हमारी सिंपली है कि गुंथर इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मैच के लिए हाइप तो काफ़ी अच्छी बना दी है WWE ने अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जिस तरीके से सेगमेंट देखने को मिला, लेकिन प्रेडिक्शन दोस्तों यहाँ पर गुंथर के लिए रहने वाली है। वैसे दोस्तों आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के रिगार्डिंग, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।